इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ आता है आपके आईफोन में, ठीक है, वहाँ पर पीओ के एक्सोडिट्स यू हैव ऑल अटेम्प्ट्स टू अनलॉक योर सिम, प्लीज़ कंटेंट योर नेटवर्क प्रोवाइडर। तो बेसिकली क्या दिक्कत रहती है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इसके सोल्यूशन मेरे पास क्या किसी के पास नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इसको स्टार्ट करने के स्टेप्स मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे आप स्टेप्स कर सकते हैं इसके, जिससे कि आपको सिम आपका वापसी मिल जाए। देखिए, पीओ के जो कोड रहता है उसके 10 अटैम्प्ट रहते हैं। अगर तो बात अब ये आती है कि इसको खोले कैसे। देखिए, 10 अटैम्प्ट हमने इसको कंप्लीट कर दिए, 10 अटैम्प्ट तक अगर हम में से एक भी अटैम्प्ट रखा हुआ रहता है तो आप 198 पे कस्टमर केयर पर कॉल मिलाकर, ठीक है, किसी भी सिम का हो चाहे उसी कंपनी के सिम से किसी और सिम से, आप अपनी जानकारी देकर अपना पीओ के कोड पता कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 10 अटैम्प्ट आपने कंप्लीट कर दिए हैं तो आपको उसी उसी आईडी का, मतलब कि जिसके ओनर हो आप उस सिम के, जैसे कि मान के चलिए आप खुद ही ओनर हैं उसके, तो आप ही उस सिम को अपने जो स्टोर पर जाकर उसे वापसी ले सकते हैं। वैसे इसका कोई चार्ज नहीं रहता, अगर आप स्टोर पर जाते हैं आपको मिल जाता है, 10-20 रुपए लें तो लें, वरना अदरवाइज इसका कोई चार्ज नहीं रहता है। आप उसको उसको रीएक्टिवेट करवाना पड़ेगा, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिए कि उसी के नाम पर होगा जिसके नाम पर ये सिम था। बाकी यहाँ पर अगर आपको समझ में आ गई हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।